यहाँ देखो लास्ट क्लास में अपने क्या क्या पढ़ा था। अभी तक अपन ने इंडक्शन मोटर के जो स्पीड कंट्रोलर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड पढ़ा है। तो अपन ने पहले स्टार्ट किया था स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, कि वोल्टेज की हेल्प से आप कैसे स्पीड में वेरिएशन कर सकते हो, उसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में कैसे वेरिएशन कर सकते हो। देन अपन ने स्टार्ट देन अपन ने रीजर्व किया था फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, देन कॉन्स्टेंट पी बाय एफ कंट्रोल। ये तीन मेथड अपन लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर लास्ट क्लास में अपन ने देखा था रोटर रेजिस्टेंस से आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, मतलब आपने जो रोटर का रेजिस्टेंस है आर टू उसमें चेंज किया तो आपके पास क्या क्या सर्किट में चेंज होंगे, आपके पास क्या क्या आपकी टॉर्क में चेंज होंगे, स्पीड होंगे, ये सब अपन ने देखा था लास्ट क्लास में। अब बस यही मेथड को अपन आज आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बताओ पहले आप लोग लास्ट क्लास तक। ठीक है, आगे देख। अब आज अपना वही वाला है, एक बार कॉपी से कुछ पार्ट है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ऑन रोटर साइड। अब अपन जो भी स्पीड कंट्रोल के मेथड पढ़ रहे हैं वो सारे मेथड कहाँ पे है, रोटर साइड में। पहले अपन ने पढ़े जैसे स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, तो वोल्टेज कंट्रोल करना था तो अपन ने स्टेटर साइड से कर लिया। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करनी थी तो वो भी अपन ने स्टेटर साइड से कर लिया। वी बाय एफ करना था तो वो भी अपन ने स्टेटर साइड से कर लिया। तो ये सब अपन ने स्टेटर की साइड से कंट्रोल कर लिए थे। अब अपन को है रोटर साइड से अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उस मेथड में देखो कौन कौन सा मेथड आता है। दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज एप्लीकेबल ओनली टू वाउंड रोटर। वाउंड रोटर को ये होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये जितने भी रोटर साइड से कंट्रोल करना है ये सारे मेथड है ना, कौन सी मोटर में यूज कर सकते हैं अपन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्क्वायरल में नहीं यूज करेंगे इसको, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं। इसका रीजन अपन पढ़ चुके हैं ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को क्या करना है बेसिकली, रेजिस्टेंस ऐड करना है या कुछ भी वायर कनेक्ट करना है, कुछ भी अपन को रोटर साइड में करना है तो वो कहाँ पे पॉसिबल है, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही तो पॉसिबल है। स्क्वायरल का अपन ने कंस्ट्रक्शन देखा था ना, स्क्वायरल का कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होता है, बार्स कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायरल में रोटर का क्या शेप है, तो आपको अगर उसमें रेजिस्टेंस ऐड करना है, वायर ऐड करना है तो आप नहीं ऐड कर सकते। तो जब भी रोटर के साइड में आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो सब कुछ कहाँ पे पॉसिबल है, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, क्योंकि उसमें वाइंडिंग्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द, अब देखो स्लिप पावर। अब है द पोर्शन ऑफ एयर गैप पावर व्हिच इज नॉट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर। क्या होता है अपने पास, ये अपना स्टेटर होता है, यहाँ पे एयर होती है, यहाँ पे रोटर होता है। तो यहाँ पे आपने सप्लाई दिया, यहाँ पे भी करंट हो गई, प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ, आपकी मैकेनिकल पावर जनरेटिंग मोटर क्या करती है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर दी और ये घूमने लग जाती है, मैकेनिकल पावर जनरेट करने लग जाती है। लेकिन कुछ पार्ट क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है यहाँ पे एयर गैप में। तो जो पोर्शन आपकी मोटर का, जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर का वो पोर्शन जो आपका मैकेनिकल पावर में हुआ है, स्लिप पावर। समझ आ रहा है, सारी सारी पावर तो आप कन्वर्ट होती नहीं, कुछ पोर्शन होता है जो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसको अपन बोलते हैं एयर गैप पावर। कि वही लिखा था पोर्शन ऑफ एयर पावर, एयर गैप की हम जो पावर आती है व्हिच इज नॉट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर, जो पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, कुछ फॉर्म ऑफ लॉस में या कुछ ना कुछ करके वेस्ट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं स्लिप पावर। तो अब ये क्या कह रहा है, हेंस मैकेनिकल पावर डेवलप इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस पावर बाय सम मेथड। तो अपन को वो जो स्लिप पावर जो वेस्ट हो रही है उसी को अपन को कंट्रोल करना है और उसकी स्पीड भी वेरी हो जाएगी। तो अब वो स्लिप पावर को अपन किस किस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला मेथड है आपका स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, पर फिर से पढ़ेंगे। सेकंड मेथड है आपका ईएमएफ इंजेक्शन। इसमें दो मेथड है, स्टैटिक सर्जियस ड्राइव और दूसरा है स्टैटिक रैमर ड्राइव। अब पहला वाला पढ़ते हैं अपन, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ये वही बोल रहा है, तो बेसिकली अपन करना है क्या चाह रहे हैं कि अपन ने कहा कि अपनी जो भी अपन यहाँ पे पावर दे रहे हैं पावर, वो सारी की सारी मैकेनिकल पावर नहीं कन्वर्ट होती है। तो जो कन्वर्ट नहीं हो रही है ना पावर, जैसे आपकी 100 पावर दी तो 100 की 100 तो आपको मैकेनिकल नहीं मिलेगी, सपोज आपको मैकेनिकल में 80 मिलेगी, तो 20 क्या हुआ, 20 पोर्शन ऐसा है जो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इस 20 वाले पार्ट पर बोलेंगे स्लिप पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सपोज 100 दिए तो पावर और यहाँ पे आपको कन्वर्ट होती मिलती होगी 80, तो उसके बाद में 20 वाला जो कन्वर्ट नहीं हुआ है लॉस की फॉर्म में है, इसको अपन को कंट्रोल करना है, इसी को अपन बोलेंगे स्लिप पावर। तो इसको कंट्रोल कर करके अपन अपने मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली इसके पास तीन मेथड है, स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, सेकंड
सेकंड है आपका इनर सिंगुलर, मतलब ये भी दो पार्ट है। तो अभी अपन ये वाला मेथड पढ़ेंगे, उस कहते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं फर्स्ट मेथड टोटल रेजिस्टेंस, इसके बारे में अपन काफी कुछ पहले से पता है। इन दिस मेथड ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड विद रोटर सर्किट, यानी कि रोटर सर्किट में क्या करना है आपको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है। एंड इट इज वेरी टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। अब आप जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो मैंने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे, तो फोर्स के पैरामीटर इक्वेशन को चेंज करोगे, स्पीड भी था। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन टू सिंथेटिक इंडक्शन मोटर। वीडियो पर बोलिंग कर सकता है। अब तो होता क्या है, अपने लास्ट क्लास में देखा था जो टॉर्क की इक्वेशन होती है उसको अपन किस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। अपन शॉप पे लिख दिया था टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन आर टू, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट थी। फिर अपन ने क्या कहा था, अगर अपन इस आर टू की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और अपन को अपना टॉर्क कॉन्स्टेंट रखना है, तो क्या होगा, दिस स्लिप भी रेशियो में इंक्रीज होगी। ये डिवाइड में है ना, हमने बताया ना अगर आपको कोई भी दो ए भी है, एक बी, तो उनका रेशियो अपन को कॉन्स्टेंट रखना है। तो क्या करेंगे, ये चीज आप जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हो उसी प्रोपोर्शन में आप डिक्रीज करो। जैसे आपके पास है 100/4, अगर इसको मैं डिक्रीज कर दूँ, उसकी कर दूँ हाफ कर दूँ, तो इसको भी आपको हाफ करना पड़ेगा। अगर इसको मैं 4 times कर दूँ, यहाँ पे 4 कर दूँ, तो इसको भी आपको 4 times करना पड़ेगा। तो हर सिचुएशन में उसका जो आंसर रहेगा, जो रेशियो है, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसमें यही करना है, तो मेरे को क्या करना है, टॉर्क अपना कॉन्स्टेंट रखना है। तो टॉर्क कॉन्स्टेंट रखना है, तो क्या करेंगे, जिस रेशियो में आप आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, उस रेशियो में आप आपकी स्लिप भी इंक्रीज करोगे। तो क्या किया आपने, रोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, रोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब टॉर्क अपन को कांस्टेंट, तो क्या होगा, अपनी स्लिप भी उसी दिशा में इंक्रीज होगी। और स्लिप इंक्रीज होगी तो अपना फॉर्मूला लिखा है एक्स इक्वल टू माइनस 1 - f, स्लिप की वैल्यू में चेंज होगी, मतलब स्पीड भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने पर अपने मोटर की स्पीड कंट्रोल हो सकती है। From the above equation, it is clear that an increase in R2, यानी कि थोड़ा सा भी R2 में आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपकी स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इन, अगर आपने स्लिप में इंक्रीज किया, मतलब आपकी स्पीड वेरी वैल्यू करेगी। रोटर रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क बाय द मोटर, बट इट इट हैज विद मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस। ये चीज भी अपन देखते थे लास्ट क्लास में, कि अपन कैरेक्टर ऑफ करते हैं, तो इस तरह से आपकी स्कोर ये R1 है। आपने कुछ और रेजिस्टेंस को इंक्रीज किए, अब आपके पास केवल कैरेक्टर की आर कैरी, अपन ने और रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो ये आर की कैरी, तीन के मैक्सिमम टॉर्क है वो वैल्यू हमको रहेगी। आप रेजिस्टेंस कितनी भी इंक्रीज कर लो, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी। ये लोकेशन चेंज होती रहती है, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ये लोकेशन चेंज होती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो वैल्यू जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है, तो बोलते हैं स्लिप कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम टॉर्क। तो ये स्लिप की केवल की वैल्यू रहती है, बाकी आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, अब उसके बाद में कह रहा है, इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल द मोटर टॉर्क डज नॉट चेंज इवन एट लो स्पीड, आल्सो दिस मेथड इज लेस कॉस्टली व्हेन कंपेयर्ड टू रिवर्स ऑपरेशन। तो अपन को पता है इसमें टॉर्क की वैल्यू का मतलब चेंज करने के कांस्टेंट काम किया करना, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये मेथड लेस कॉस्टली है एज कम्पेयर टू वेरिएबल ऑपरेशन। अपन ने जो वेरिएबल वाला पढ़ा था, तो अपन ने बताया था कि चेंज कितनी कम होती है, कितना अपना पैरामीटर है 49.85 से 50.05 तक अपन वेरिएशन कर सकते हैं। तो इतनी वेरिएशन के लिए काफी सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, काफी कॉस्टली होती है। तो उसके कंपैरेटिवली ये मैं कहता हूं, और आपका चीपर है, क्योंकि आपको ऑनली रेजिस्टेंस का ऐड करना है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट एंड हाई टॉर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, दिस मेथड यूज्ड इन पेन। ये मेथड कहां पे यूज होता है, पेन। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स लो एफिशिएंसी ड्यू टू एडिशनल पावर लॉस इन द एक्सटर्नल। अब देखो इसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कि बेसिकली अगर सर्किट है, पर रोटर का जो सर्किट है उसमें अपन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस तो ऐड कर रहे हैं, तो जब भी आप कहीं पर भी रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो आपकी पावर भी वेस्टेज होगी। यहाँ जो भी करंट चाहिए थी आई स्क्वायर आर लॉस भी होगी, तो भले आपकी कंट्रोल हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है,
एक तरह से आप लॉसेस ही तो इंक्रीज कर रहे हो, आई स्क्वायर आर काफी इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज तो हो रही है, तो आप कुछ और मेथड यूज करो जिससे आपकी आपके लॉसेस भी इंक्रीज ना हो और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर इसलिए बोलते हैं कि ये आपका डिसएडवांटेज है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपकी पावर लॉस हो रही है, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दीस लॉसेस अगर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू वी प्रोड्यूस अराउंड द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डस नॉट इंक्रीज द हीट ऑफ द मटेरियल, मतलब वही वाली बात है कि आपने बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड किया है तो लॉसेस इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, एक तरह से आपकी मोटर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। या अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, देखो या आप इसको ऐसे बना लो या फिर आप सेम चीज ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। दिस इज फॉर आर वन, दिस इज फॉर आर टू, ये आर थ्री, क्योंकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बस थॉट को वाई एक्सिस पे लोगे तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो कुछ कुछ बुक में अगर आपको ये वाला ग्राफ और वो वाला ग्राफ कंफ्यूज हो तो ये दोनों सेम है, वाई एक्सिस पे थॉट लोगे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक बन गया, अगर आप एक्स एक्सिस पे लोगे टॉर्क की वैल्यू तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक शेप ये बनेगा। तो कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखो हमारी और वैसे ही बनेगा। अब देखो, अब ये अपन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं कैसे, है मैथमेटिकली क्या होता है, अपन बूस्ट एनालिसिस करके थ्योरेटिकली तो पता पड़ लिया। तो अब अपना पहला मेथड आता है स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, बेसिकली अपना यही मेथड है रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, लेकिन आप अपन को देखना है कि अपन कैसे किस तरह से अपन रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो, स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर अ थ्री फेज डायोड रेक्टिफायर अ चॉपर एंड सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। चॉपर अपन पढ़ चुके हैं, चॉपर क्या होता है देखो, इसमें क्या क्या कनेक्ट किया, सबसे पहले इसमें कनेक्ट किया डायोड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है बोलो, रेक्टिफायर का क्या वर्क होता है, रेक्टिफायर तो अपन पढ़ चुके हैं ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसको याद नहीं आ रहा है रेक्टिफायर क्या करता है। देखो आपका जो रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, एसी को डीसी में याद रखो, रेक्टिफायर क्या करता है एसी को डीसी में, और इसका अपोजिट कौन करता है, अपोजिट होता है इन्वर्टर। ये मैंने जब आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइव की क्लास स्टार्ट की थी तो फर्स्ट वीक में आपको लोगों को बताया था इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करके, याद ठीक है। तो आपका रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में चेंज, चॉपर क्या करता है बोलो, चॉपर के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हाँ अभिषेक चॉपर क्या करता है, चॉपर डीसी को में कन्वर्ट करता है, चॉपर क्या करेगा डीसी को में कन्वर्ट करता है। हाँ ट्रांसफार्मर क्या करता है आपका, एसी को, अगर एसी को इस आपके पास, अब ये तो आपको तो पता होना चाहिए ना, मैं डीएसएस पे मान लो आपके पास घर में आपके पास आर्मी के 11 की पावर जाती है, तो जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो तो आप उसको 33 केवी पे करते हो, ये कहां से होता है, ट्रांसफार्मर से क्यों होता है, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में चेंज करता है, ट्रांसफार्मर डीसी को डीसी करता है, ऐसे ही जो आपका चॉपर है वो क्या करेगा, ओनली डीसी को डीसी में चेंज करेगा, ये एसी को ऑपरेट नहीं करेगा। जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में चेंज करेगा, याद रखना ये बात। तो अपन ने क्या किया, एक रेक्टिफायर यूज किया, रेक्टिफायर एक चॉपर यूज में लिया है और एक रेजिस्टर यूज किया, इसके कनेक्ट कर दिया, आपकी थ्री फेज सप्लाई है, इस थ्री फेज सप्लाई से अपन ने मोटर कनेक्ट कर दिया, और इस मोटर से सबसे पहले ये सरसा पहले स्टेटर थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, अब मोटर है यहाँ पे ऐड करना है तो रेजिस्टेंस क्या करके इस मोटर से तरह से अब देखो क्या किया, सबसे पहले हमने रेक्टिफायर कनेक्ट किया, ये इतना कोर्स कनेक्ट किया है आपका, उसके बाद में
रेक्टिफायर क्या करेगा, ये तो पूरी इंडक्शन मोटर कर देगा कि यहाँ पे जो एसी पावर आएगी उसको रेक्टिफायर क्या करेगा, डीसी में चेंज होगी। फिर ये इंडक्टर क्या करेगा, अब डीसी बिल्कुल इस तरह से एकदम कांस्टेंट डीसी तो आई क्या अपने पास इस तरह से, अभी क्या आया है आप इस तरह से रिपल चालू करेंगे, तो ये इंडक्टर क्या करेगा तो एकदम रिपल इस तरह से इस तरह से चेंज कर देगा, सारे रिपल्स रिपल्स कर देगा ये हार्मोनिक सीरीज को। देन है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका स्टॉपर, इस तरह से कनेक्ट किया। तो आप इससे कैसे क्यों ऐसे क्यों कनेक्ट किया, कनेक्ट तो जब जब आपका चॉपर ऑन है, मान लो जब जब इस ऑन इस तरह से या आपका स्विच ऑन, तो क्या होगा आपकी करंट कैसे आएगी, आपने स्टेटर को सप्लाई दिया, स्टेटर से रोटर में आए, रोटर से आए फिर तो रेक्टिफायर में चली गई, रेक्टिफायर में एसी को कैसे डीसी में चेंज कर। अब यहाँ से इंडक्टर में आएगी, इंडक्टर के बाद एक पॉइंट के बाद आपकी करंट कहाँ जाएगी, बताओ आपका चॉपर ऑन है, अब आपकी करंट ए तक पहुंच, ए पॉइंट के बाद कहाँ जाएगी आपकी करंट, वहां पे रेजिस्टेंस से ट्रांसफर कर रहे हो चॉपर। देखो अपना क्या होगा कि ए तक आगे जाने का, ए के बाद में यहाँ पर ए तक पहुंचती हो, अब उसको दो रास्ते दिखते हैं, एक तो है जो रजिस्टर के थ्रू जा रहा है और एक है जो चॉपर के थ्रू जा रहा है। अब चॉपर वाला आपने क्लोज कर दिया है, अब आप ही देखो आपके रजिस्टेंस के सामने दो रास्ते है, एक में तो रजिस्टेंस है और एक में रजिस्टेंस है, तो अपन ने क्या पढ़ रखा है, करंट करती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा शॉर्टेस्ट रजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, मतलब वो वाला पाथ सबसे कम रेजिस्टेंस हो वो वाला पाथ फॉलो करेगी, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है सारी की सारी करंट यहाँ इस तरह से, तो जब ऐसा है कि आपको अभी रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना है तो आप चॉपर को ऑन करके रखेंगे, तो अपने रेजिस्टेंस खड़ी हो गई। अब मान लो कि देखो रेजिस्टेंस की है, अब एक स्पीड कंट्रोल करनी है, तो रेजिस्टेंस को देना है तो अपने चॉपर को ऑफ कर दीजिए, जैसे ही मेरा चॉपर ऑफ हुआ ये फिर से हमने आज करंट पास आएगी उसके, तो मेरी करंट रेजिस्टेंस है, अब इस तरह से अपना रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। अब आप चलते के मोटर में खुद का वायर के रेजिस्टेंस ऐड करोगे, अपन जो बूस्ट करके अपने वायर ऐड कर दिया रिमूव करते हैं किस तरह से करते हैं करते हैं, जब जब वो आप वो चॉपर ऑन ऑफ करोगे, समझ आ रही है चीज, किसी को भी डाउट है इस डायग्राम में तो बताओ, डायग्राम अच्छे से समझाना, जब भी एग्जाम हो तब हो आज भी एग्जाम हो कुछ भी हो डायग्राम से समझ में आता है आप लोगों को कितना मकसद है, और बस एक चीज एक्सप्लेन करना है कि रेक्टिफायर किस में गया, इंडक्टर किस में गया, चॉपर किस में गया, कुछ भी पॉइंट वापस से रिपीट करना है यहाँ तक। सबको समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक हम ये देखो वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ कर रही है, ये वेवफॉर्म है आपकी, तो क्या है कि जब आपका चॉपर ऑन होगा तब आपके रेजिस्टेंस से ऐसे करंट फ्लो होगी, रेजिस्टेंस ओके, जब जब आपका चॉपर ऑन होगा तो आपके रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी, जैसे आपका चॉपर ऑफ हो गया आपके रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पे देखिए इसका एनालिसिस करना है आपको, मैं पर्टिकुलर एनालिसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस सारे पॉइंट के सारे का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि इंडक्टर एसी फ्यूज में है एज टू रिड्यूस द पल्स प्रेजेंट इन द डीसी लिंक करंट, पल्स क्या होता है मैंने बताया, तो फिर जो डीसी है लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हो यहाँ पे एसी को तो स्मूथ कुछ कुछ रिपल्स होता है, मतलब इस तरह से एकदम स्मूथ ना होते हो कुछ इस तरह से हल्के 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 ऑसिलेशन होते हैं, तो उसको एकदम स्मूथ बनाने के लिए हम करते हैं ये इंडक्टर यूज।
नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल करंट बाय दिस। आप इस वेवफॉर्म से आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कोई वेवफॉर्म आएगी। द एसी आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द रोटर कॉइल की अभी लिखा है कि इस रोटर से एसी आउटपुट क्या करते हैं एक्स बाय एसी डीसी को देख करते हैं और फिर ये डीसी को कहां पे देखते हैं रेजिस्टर को देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा आर। अल्फा क्या है आपका ड्यूटी साइकिल, अपन ने पढ़ा था अल्फा इक्वल्स टू होता है टी ऑन अपॉन टी, ये वही आपका अल्फा। तो देखो अल्फा को कैसे लिख सकते हैं आप बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी इसकी है 1 माइनस अल्फा आर। ये अपन ने चॉपर लिखा है कैसे करेंगे सपोज अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है टी ऑन डिवाइड बाय टी। ये 1 कब होगा जब टी ऑन और टी दोनों सेम होगा, मतलब आपने क्या करा हमने ऑन करके रख दिया हमेशा के लिए आपका चॉपर फंक्शन में है। तो जब भी अल्फा की वैल्यू 1 होगी आप खुद ही सोचो सोचो जब भी अल्फा की वैल्यू 1 होगी सारी तरह की आपकी आपका रेजिस्टेंस तो फ्लो ही होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। आप यहाँ पे मैथमेटिकली देखना चाहो तो अल्फा की वैल्यू 1 का अगर आप सेकंड केस देखो अभी तो अपन ने क्या किया था कि चॉपर को हमेशा के लिए ऑन करता था, अब मैं चॉपर को हमेशा के लिए ऑफ कर दूँ, ऑफ कर दूँ तो क्या होगा अल्फा इक्वल्स टू टी ऑन अपॉन टी, हमेशा के लिए ऑफ कर रखा है मैंने तो टी ऑन की वैल्यू तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अगर मैंने चॉपर को हमेशा के लिए ऑफ कर दिया मेरी तो सारी करंट हमेशा लगी जाएगी तो टोटल वैल्यू कितनी आर। अब यहाँ पे भी वैल्यू कर देख रहा हूँ मैथमेटिकली, अगर आप अल्फा की वैल्यू 0 करो तो आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है, ये बस एक फॉर्मूला बताया कि आप रेजिस्टेंस को इस तरह से लिख सकते हो कि आप अल्फा की वैल्यू में डाउट करना अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू है आपका टी अपॉन, अल्फा इक्वल्स टू होता है अपना टी ऑन अपॉन। अब अगर मैं चॉपर को हमेशा के लिए ऑन करके रखती हूँ, हमेशा के लिए ऑन करती हूँ तो अपने क्या पढ़ा था कितने टाइम के लिए ऑन है कितने टाइम के लिए ऑफ, तो ये है आपका ऑन है आपका ऑफ, इन दोनों का एडिट होता है आपका। तो अगर मैंने हमेशा के लिए टी ऑन करा है तो टी ऑन और बच जाएंगे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ऑन, समझ आई थी। और अगर अल्फा हाँ जहाँ भी डाउट को बताना अब मैं वो भी अगर मैंने चॉपर को हमेशा के लिए ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया मतलब हमेशा टी ऑफ चल रहा है मतलब मेरा टी ऑफ ही चल रहा है हमेशा के लिए, तो टी ऑन अपॉन टी होता है टी ऑन की वैल्यू 0 तो अल्फा की वैल्यू 0, समझ आ रहा है नहीं। जिसको भी डाउट हो बेटा प्लीज इस तरह से अपन चेक जब भी अपन चॉपर और एक रेजिस्टेंस सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नहीं होता पूरे टाइम सर्किट में, आर रेजिस्टेंस नहीं है कभी वो होगा कभी नहीं होगा कभी कुछ सेकंड के लिए होगा, उसकी वैल्यू अपन कैसे कर सकते हैं 1 माइनस अल्फा आर इस तरह से करने की वैल्यू। नेक्स्ट चीज क्या है पावर कंज्यूम, अब टोटल पावर लॉस कितना होता है इसमें जब भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो आई स्क्वायर आर, तो वही इसने लिखा है आई स्क्वायर और आर की जगह ये वाली वैल्यू के पर माइनस अल्फा आर। ठीक है, अब ये है टोटल पावर तीनों फेज का, एक ही फेज की पावर इसलिए डिवाइड बाय आपकी फेज की पावर। ठीक है, अब आपके पास क्या था ईएमएफ आरएमएस आरएमएस करंट की वेवफॉर्म, यहाँ से आप नॉर्मल आई डी प्लस टू डालोगे तो क्या लिखोगे तो अपोजिट रूट 3/2 आई आर, जिस आई डी प्लस टू का होगा ये आई आर दस होगा, ये वाली पेज फिट कर दो यहाँ पे जो आई डी है इसके अंदर ये वाली वैल्यू कर दो, इसलिए आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वाली इक्वेशन आगे तो और सॉल्व कर दो तो क्या होगा इसे कट जाएगा तो इक्वेशन बनेगी आई आर स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आर डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन में एंटी ये वाली इक्वेशन आपके पास फाइनल है। जब आप पूरे रेजिस्टेंस को सब कुछ करते हैं अपने क्या क्या बेसिकली अपने को पता है आई स्क्वायर आर होता है और अपने सबसे पहले जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी थी इसके अपने 1 माइनस अल्फा आर, फिर अपन ने इस आई की जगह जो आर करंट है फिर अपन ने बोला कि करंट है क्या डिवाइड कर दोगे, जब ये सब किया आपने उसके बाद में आपके इक्वेशन में नहीं पावर की वो आई है।
ठीक है, ये अपने पूरे कनेक्शन की बात आई है। अगर आप ये सब नहीं करते तो आपके पास एक क्वेश्चन आती है आई स्क्वायर आर आती होंगी, आपके ओनली रोटर का रेजिस्टेंस है, ये आपके रोटर का रेजिस्टेंस है, और अभी आपने चॉपर ऐड कर दिया, चॉपर ऐड कर दिया तो आपके पास केवल वैल्यू आ गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे अगर अपन देखते हैं अब अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले आर थी और आपने चॉपर भी कनेक्ट कर दिया तो आपके रेजिस्टेंस इस तरह से इंक्रीज हो गई। तो बस बेसिकली अपन को करना ही ये है कि अपन फर्स्ट क्या है कि रेजिस्टेंस के में इंक्रीज करते हैं, उसकी स्लोप की वैल्यू भी जाती है, की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसको करते कैसे है सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सर्किट डायग्राम में एक एक चीज आपने कैसे यूज करनी है ये पता होना चाहिए, आपको ये सब नहीं होता। एडवांटेज देखो इस तरह करके स्मूथ कंट्रोल होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटेनेंस लो है और साइज भी कम होता है इसका। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीजिंग रोटर रेजिस्टेंस लीड टू इंक्रीजिंग पावर लॉस इन द रोटर, यानी कि बेसिकली होता ही क्या है कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो तो जब जब आपकी पावर इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी आई स्क्वायर आर लॉस के होगा, भले आपकी स्पीड भी कंट्रोल हो गई लेकिन बेसिकली पर लॉसेस इंक्रीज कर रहा है, तो क्या पता चलता है अपन से कि ये मेथड अच्छा है, सस्ता है, चीप है, कॉम्पैक्ट साइज है, लेकिन इससे क्या है बेसिकली पावर एक तरह से लॉस होती है तो एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो ये है फर्स्ट मेथड के बारे में। अब आगे के जो दो मेथड है इसमें क्या क्या है, ये जो काफी है इसका डिसएडवांटेज है कोई रिमूव किया है। आगे वाले मेथड ये बोलेगा आपको कि अच्छा आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो आपकी पावर वेस्ट होती है, तो कोई बात नहीं अपन रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे इस पावर को यूज में लेके ताकि तो ये आपका नेक्स्ट मेथड है, ये भले से अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आज वाले कोई भी डाउट कुछ भी प्रॉब्लम आई है कुछ भी रिपीट करना है इधर देखो, ये सर्किट अच्छे से देखो कि सर्किट अच्छे से याद होना चाहिए आपको, यहाँ पे वायर कनेक्शन में प्रॉब्लम डाउटफुल मत रहना क्या क्या करनी। ये देखो ये आपका स्टेटर है, इसको यहाँ से सप्लाई देते हैं, फिर स्टेटर से पावर आती है आपकी रोटर में, तो जब अपन को देनी होगी तो अपन रोटर से कनेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से देखो क्या गया हमको ये सप्लाई पावर दी है, ये तो स्टेटर बाहर वाली गोले से कनेक्ट किया है, फिर जब इसने पावर ली है तो अंदर वाली जो सर्किल है रोटर वहाँ से पावर ली है, वहां से एक रेक्टिफायर बनाना है, एक इंडक्टर बनाना है, एक रेजिस्टर और एक आपका कपल कनेक्टर। तो ये होती है आपकी स्टेटस स्टैटिक रोटर डिस्टेंस। अब जो अपन नेक्स्ट टास्क करेंगे उसमें अपन को ये करना है कि अपन इसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम पावर को यूज में लेंगे तो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी और स्पीड इंक्रीज करेगी। तो ये मेथड अपन जो मेथड है आपके ये अपन नेक्स्ट कोई भी डाउट करके